तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां से आपको शिक्षा संबंधित सभी जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। अगर इस बीच कोई जानकारी छूट जाती है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में नीचे जरूर दें। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड के विषय में बात करेंगे। जो सूचना निकल के आ रही है कि अब जो है चयन बोर्ड अब नहीं कर सकेगा भर्ती को शून्य, नियमित स्तर पर निकलेंगी भर्तियाँ। कुछ मैसेज घूम रहे थे कि अब भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाएगी, नियमित अब हर वर्ष निकलेगी वैकेंसी। जैसे कि बताया गया कि 10 वर्षों में अभी तक केवल 3 भर्तियां निकली हैं और अभी भर्तियां सभी स्कूलों में शिक्षक पद खाली हो रहे हैं, और जिस तरह तदर शिक्षकों की बर्खास्ती का निकाला गया है तो इसकी भी नौबत ना है। तो इन्हीं सभी बातों में आपको बताएंगे क्या खबर है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि हमारे वीडियो की अद्यतन पोस्ट आप तक पहुंचती रहे। और जानकारी पूरी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कि क्या खबर है। तो चयन बोर्ड अब नहीं करेगा भर्ती को शून्य, माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक के चयन के लिए नियमित भर्तियां परीक्षा कराए जाने का आदेश है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 3 ही भर्तियाँ हुई हैं, 2011, 2013 और 2016 में ही भर्तियां प्रशिक्षणार्थ शिक्षकों की भर्तियां निकाली गई। यानी इस वर्ष में केवल तीन भर्तियां, जबकि कॉलेजों से शिक्षक नियमित अंतराल पर रिटायर। देश में बेरोजगारों के पढ़ लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब उत्तर प्रदेश में भर्ती शून्य नहीं कर सकेगा, बल्कि उससे प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और शिक्षित स्नातक शिक्षकों का नियमित चयन करना ही होगा। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की नौबत नहीं आनी चाहिए, जिससे कि पठन और पढ़ना पर प्रभावित न हो। इस आदेश से चयन बोर्ड को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया निकालने को कहा गया। ज्ञात हो कि एक शिक्षक भर्ती इसी माह में घोषित होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया। साथ ही अब ये जो तदर्थ शिक्षकों की भर्ती है, इसके कारण भी इसमें कुछ व्यवधान आ सकता है, कुछ देरी हो सकती है। कॉलेजों के लिए प्राचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक के चयन का जिम्मा चयन बोर्ड पर है। इधर 4 वर्षों चयन बोर्ड में कोई भी भर्ती नहीं, प्रक्रिया नहीं निकली है। लगातार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इसी का लाभ उठाकर कॉलेज प्रबंधक, जो तदर्थ शिक्षक की तैनाती करते थे, जिसमें शीर्ष कोर्ट 26 अगस्त को तदर्थ शिक्षक के विनियमितकरण के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि फैसले में कई निर्देश में सबसे अहम नियमित शिक्षकों का चयन होना है। भर्ती बोर्ड घोषित करने में आनाकानी करता आ रहा, इससे प्रतिभागियों में नाराजगी है। हर जगह पर शिक्षकों की कमी है, प्रधानाचार्य की कमी नहीं जो भर्ती है, प्रधानाचार्य की कमी। चयन बोर्ड अब तक 2011 में प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका, वहीं 2013 प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार तक शुरू नहीं हो सका। तो अब ये नियमित भर्तियां चलेंगी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे चला तो बहुत ही अच्छी बात है कि नियमित अगर भर्ती चलती रहे, कुछ ना कुछ भर्ती हर वर्ष जो है पार्ट वाइज निकालिए या पूरी एक साथ निकालिए, लेकिन नियमितकरण भर्ती चले तो जिससे तदर्थ शिक्षक कि नियुक्ति का कोई मामला सामने ना आए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है अगर भर्ती आती है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।